हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों, अगर आप रेडमी लवर हैं और रेडमी के फोन का इंतजार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि रेडमी ने कल यानी कि 20 मई को एक फोन लॉन्च किया है, रेडमी नोट 7S। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती है, रेडमी वाले चाहते क्या है, क्योंकि उनका पुराना फोन तो बुक नहीं होता है और एक नया फोन लॉन्च करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था रेडमी नोट 7 प्रो की, क्योंकि रेडमी नोट 7 प्रो भी बुक नहीं हो रहा है, वो 3 या 4 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। और ये फोन इन्होंने ला के रख दिया, आई थिंक इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, ये भी 2 या 3 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक होगा। तो दोस्तों, अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो बुक करना चाहते तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, इसके कुछ प्रो टिप्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं किस तरह से आपको लाइव बुकिंग करनी है, यानी कि आपको बुक करना है फोन को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 7S की, इसके कुछ की फीचर्स की, ये कहां से मिलेगा, इसका प्राइसिंग क्या होगा, इसका लुक क्या होगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर इसके वेरिएंट की बात करते हैं, कलर वेरिएंट की बात करते हैं, तो आपको 3 कलर वेरिएंट मिल जाएंगे, एक ओनियक्स ब्लैक, एक रूबी रेड और एक सैफियर ब्लू। दोस्तों, अगर इसके हम रैम रोम के अकॉर्डिंग वेरिएंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक 3 GB रैम और एक 32 GB रोम के साथ। दूसरा वेरिएंट इसका 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ। अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 256 GB की मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं की फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 6.3 इंचेस की FHD+ डिस्प्ले मिलेगी, 48+5 MP का बैक कैमरा मिलेगा और फ्रंट कैमरा आपको 13 MP मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपडेटेड एंड्रॉइड 9.0 Pie वर्जन मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको फ्रंट और बैक दोनों कैमरों में आपको फ्लैश मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको 4000 mAh की लियोन की बैटरी मिलेगी, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, यानी कि अगर 2 SIM कार्ड यूज करते हैं तो मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे, अगर मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो 2 SIM कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर वही MI के जैसे सभी के फोनों में होता है, रियर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अभी तक इस मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में आपको नहीं बताया, तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि Redmi Note 7 Pro के कंपैरिजन में इसका प्रोसेसर थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। यानी Redmi Note 7 Pro में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो ऑक्टा कोर का Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर मिलता है, वहीं आपको Redmi Note 7S में आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो ऑक्टा कोर Qualcomm Snapdragon का 660 का प्रोसेसर आपको मिल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, यानी कि फ्लिपकार्ट पर इसके जो 3 GB रैम और 32 GB रोम का प्राइस है 10,999 रुपीज, यानी 10,999 रुपए। दोस्तों, इसका जो दूसरा वेरिएंट है 4 GB रैम और 64 GB रोम का, उसका प्राइस है 12,999 रुपीज। दोस्तों, अब आपको बताता हूं ये कब से आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों, 23 मई को 12 बजे से आपको ये फोन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। तो दोस्तों, लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, आप 1-2 मिनट पहले अलर्ट रहें, क्योंकि भैया ये फ्लिपकार्ट है, 1 या 2 मिनट मैक्सिमम टाइम ये पहले ही लाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।